जिनने भी साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन पढ़ी उन्हें पता होगा कि अगर पहले से किसी चीज़ के बारे में बता दिया जाए कि ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करने वाली है, तो आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। आपने एक तरीके से हथियार डाल दिए उसके सामने। तो जब आपने आपके सामने स्क्रिप्चर्स आए तो आपने उन्हें नॉर्मल बुक की तरह नहीं पढ़ा, उन्हें आपने किसी और ही नज़रिए से देखा कि ये सब कुछ कर देंगे, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मत पढ़ो, उन्हें नॉर्मल बुक की तरह पढ़ो, नॉर्मल बुक जैसी अप्रोच रखो। फिर देखो हर कॉलेज में गीता फैन क्लब्स खुलते हैं, बहुत शानदार किताब है, पढ़ो।